हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप खुश होंगे, मस्त होंगे और भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी लाइफ में हमेशा खूब सारी खुशियाँ आपकी लाइफ में आए और हंसते मुस्कुराते रहिए। और फ्रेंड्स, बहुत दिन बाद शॉर्ट वीडियो अपलोड की है मैंने। आज शूटिंग भी की थी और लॉन्ग वीडियो को भी काफ़ी दिन से मैं बना ही नहीं रही थी, क्योंकि मेरे जो बैक वाला दांत है उसमें इतनी दर्द थी, ये वाला इस वाला हिस्सा ये इतना स्वेलिंग आया हुआ था, बहुत ज़्यादा स्पेशल लग रहा मुझे, पस होगी। आज सुबह भी ऐसी दर्द थी, पर मैंने दवाइयाँ खाई है, दवाइयाँ चली हुई है अभी मेरी, हो सकता तो ठीक हो जाए, नहीं तो फिर पता नहीं शायद ये भी निकलवाना पड़े। पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हो रहा है क्या, पर फिर भी मैं जी रही हूँ, हिम्मत तो रख रही हूँ। और फ्रेंड्स, बाकी जो मेरे पेट की पथरीका है वो तो है ही है और हो जाती है दिक्कत, कभी अजवाइन खाती हूँ, कभी दवाइयाँ खाती हूँ, कभी कुछ, मतलब ये चला ही हुआ है मेरा पेट के दर्द का भी। और फ्रेंड्स, आज आपके साथ में थोड़ी सी बातें करूँगी, क्योंकि देखो काफ़ी दिन बाद मैंने इसलिए वीडियो डाली क्योंकि जो काम छूट जाता है वो छूट जाता है। मैंने जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैंने बंद कर दिया बनाने के लिए। तब हम बोलना ही भूल जाते हैं कि हमें बोलना भी क्या है, रेसिपी कौन देखेगा, किचन का काम कौन देखेगा, वो डेली डेली कौन देखने आएगा। कमरे में काम करती हूँ, झाड़ू पोछा जाऊँ और कपड़े धोना और काम है मेरा, वो कौन कौन डेली डेली कौन देखना आएगा। पहले व्यूज बहुत कम आते हैं मेरे। और चलो ये है कि मैं अपने यादें बनाकर ही इसमें रखना चाहती हूँ भी, चलो मैं नहीं सही तो कोई ना कोई मेरे बच्चे ही देखेंगे कि मैं, हमारी मम्मी ऐसी वीडियो बनाते थे कभी। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहती थी कि यूट्यूब पे आजकल बहुत गलत गलत देखने को मिल रहा है। क्या यूट्यूब को क्या बना के रखा हुआ, मेरे को समझ नहीं आती। जो घर में लड़ाई झगड़े होते हैं इसमें डाल देते हैं, मेरे भी होते हैं, मैंने भी अपने आप को कैसे भी काबू कर किया हुआ, पता नहीं क्या क्या हो मेरे मन में चला हुआ, पर फिर मैं अपनी लाइफ को नहीं बताती हूँ, अपनी पर्सनल लाइफ को नहीं जाहिर करती हूँ, और ना ही मेरे में इतनी हिम्मत है। अगर मेरे कोई बर्तन तो मारे तब तो मैं तो मर ही जाऊँ, ख़त्म मेरा काम। तो अगर मेरे को इतना से कोई चींटी मार दे ना, मेरा बच्चा मेरे को चींटी मार दे, वहीं निशान पड़ जाते रहो, मेरे को दो दिन तक तो मैं उठती नहीं हूँ। और किसी ने अपने आप को इतने ज़ोर ज़ोर से यहाँ बर्तन मारे, आप सभी समझ रहे हैं मैं क्या किस बारे में बात कर रही हूँ। क्या वो अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा उसने कि मेरे बच्चे, अगर मेरे को कुछ हो गया तो बच्चे का क्या होगा। और मेरे को देखो, मैंने अपने बच्चे की खातिर अपनी लाइफ को ऐसे बनाया हुआ कि पर्सनल लाइफ को मैंने छोड़ ही दिया हुआ। मेरी लाइफ कितने संघर्ष से कट रही है, मेरा दिल जानता है मैं कैसे जी रही हूँ, और मैं अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ अपने आप को मतलब सहन कर रही हूँ। तो ये है कि मैं ये बोल रही हूँ उस लेडीज़ को, सोचो जिसने अपने सिर अपने आप को यूँ करके मारा, यूँ करके मारा, भगवान तू बच्चा बोल रहा मम्मी खोलो, मम्मी ध्वजा खोलो, क्या बोलूँ। और एक वो है बड़ी यूट्यूबरी, बोलेंगे उनको भी, दो बहने हैं, एक बोल शादी के बारे में लड़ाइयाँ हो रही है, ज़बरदस्ती बड़ी सिस्टर की शादी का रिश्ता कर रहे हैं कहीं कोई, तो मम्मी बीच में ज़बरदस्ती शादी कर रही है, रिश्ता करवा रही है, वो लड़ाइयाँ हो रही है। इधर ननंद भाभी आपस में लड़ रही है, और सपना जी बेचारी वो मजबूरी में घर बार छोड़ना पड़ा, अपना अपने बच्चियों के साथ सेफ जगह अपने ग्वालियर में रेंट का रूम लेना पड़ा उनको। और पर क्या करें, जो सच्ची बात है वो तो सच्ची बात है, पर जो गलत है वो तो गलत है। अब जिसने बर्तन मारा अपने ऊपर, उसने ये तक नहीं सोचा कि इस बच्चे के पास अभी कोई भी नहीं है, नाना नानी है नहीं है, मामू नहीं है, कोई नहीं है, और क्यों वो ऐसा कर रही है। सहेलिया चलो मान लो कोई तुम्हारे साथ कोई सहेली बनी, कोई की क्या बातचीत हुई तुम दोनों में, वो गिफ्ट के पीछे तुम्हारी लड़ाई हुई, वो गिफ्ट मांग रही है वापस, तो यार दे देने थे उसके गिफ्ट, क्यों बात को बढ़ाने की क्या ज़रूरत थी, फेमस होने की क्या ज़रूरत थी, इतने फेमस हो भी क्या होना जो अपने आप को शरीर को नुकसान पहुँचाना, और अपने बच्चे के वो बड़ा हो के बच्चा जब होएगा देखेगा वीडियो तो क्या शिक्षा लेगा तुम्हारे, तब क्या तुम्हें क्या प्यार करेगा तुम्हारे को, कभी ना कभी तो तुम्हारा बच्चा देखेगा ही।
ऐसा नहीं करना चाहिए था यार, नहीं करना चाहिए था। मैं तो ये सोचती हूँ भी चलो कभी ना कभी तो समझ आएगी वो तुम, मुझे मालूम है ये ना मतलब अपने खाने की बाहर का खाना बताती है वो, चलो ले आती वो कोई बात नहीं, पर एक्स्ट्रा ले आएगी, कल का ले आएगी, आज का ले आएगी, खाती रहेगी खाती, चलो हमें कोई पता नहीं, उसका पैसा वो खाए जो मर्जी करे, हमें कोई लेना देना नहीं है। पर इस बार इसने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया, इसने अपना आपको चोट पहुंचाने की कोशिश की, और अगर उसको कुछ हो जाता, और दूसरी बात इसके भाई ने पड़ोस में फ़ोन किया कि मैं हमारे निधि के पास जा और उस बच्चे को संभाल, उस बच्चे को देख, वो निधि क्या कर क्या रही है लाइव में। तो वो उसकी फ्रेंड आई उसको देखने के लिए। तो मैं ये बोलती हूँ भी क्या कुछ हो रहा है यूट्यूब पे, क्या हो रहा है, अच्छी अच्छी वीडियो डालो, इन सांसों का कोई पता नहीं होता कब कब ख़त्म हो जाए, बैठे बैठे बोलते बोलते ये हमारे सांसें पूरी हो जाए। सांसें तो एक बुलबुला होती है, पानी का बुलबुला, और कभी भी फट सकता है, कोई पता नहीं होता। हम अच्छी अच्छी यादें बनाकर अपने यूट्यूब पे रख सकते हैं। किस लिए यूट्यूब बना मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। अपने आप को चार पैसा है, अच्छी वीडियो बनाए, चार आदमी को अच्छी लगे, अच्छी शिक्षा मिले। मेरी ज़िंदगी में इतनी उलझन है, इतने उलझन है ना कि क्या बताऊँ। तो क्या मैं सुसाइड कर लूँ, करूँगी भी तो फिर वो यूट्यूब पर लाइव नहीं आऊँगी, ऐसे नहीं आऊँगी कभी नहीं। क्योंकि पता क्या होता है, हम बहुत कोशिश करते हैं अपने आप को चार पैसा है, अच्छी वीडियो बनाए, चार आदमी को अच्छी लगे, अच्छी शिक्षा मिले। मेरी ज़िंदगी में इतनी उलझन है, इतने उलझन है ना कि क्या बताऊँ। तो क्या मैं सुसाइड कर लूँ, करूँगी भी तो फिर वो यूट्यूब पर लाइव नहीं आऊँगी, ऐसे नहीं आऊँगी कभी नहीं। क्योंकि पता क्या होता है, हम बहुत कोशिश करते हैं अपने आप को हिम्मत देने के लिए, हिम्मत देने के लिए। आज मैं देख लो अपने बच्चे के लिए, सिंगल मदर ही हूँ मैं, मेरे हस्बैंड वहीं रहते हैं जहाँ पे वो जॉब करते हैं वहीं रहते हैं, और वो हमें खर्चा भेजते हैं, ठीक है। तो मैं अपने बच्चे को अकेले देखभाल कर रही हूँ, उसकी हारी बीमारी, उसको स्कूल का खर्चा देखना, किराया भाड़ा, अपने रूम का सब कुछ कर रही हूँ। जो वो खर्चा देते हैं उससे गुजारा नहीं होता है हमारा, इसीलिए मैं यूट्यूब पे आई थी। पर फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है ना हमारा, रेंट का रूम है मेरे पास, सोचते रहते हैं, नींद नहीं आती कई बार, फिर मकान मालिकों को किराया भी देना, कूड़े का भी देना, यहाँ शहर है यहाँ तो कूड़े उठाने का भी देना पड़ता, गाँव में तो सभी अपना जमीन हो तो वहाँ जला दिया। तो बहुत बहुत लाइफ स्टोरी होती है ना, हर एक महिला की कहानी में लाइफ में बहुत होता है, कोई शौक से आता है, कोई दुख से आता है, कोई पैसे कमाने आता है। मैं भी इसी जरिए से आई थी कि मैंने पैसे कमाने, अपना घर का चलाऊंगी, पर कौन मेरे दाल रोटी सब्जी देखेगा, कौन मेरी वो करेगा, और ऊपर से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। कई बार तो राजीव भी बेचारा अपने आप को सुबह चपाती बना के चला जाता है, खा के चला जाता है, इतनी बेबस हो जाती हूँ मैं। तो क्या मैं आत्महत्या कर लूँ, ऐसा नहीं करना भैया, ऐसा नहीं करना। जो भगवान ने हमारे को ज़िंदगी दी है उसको हंसी खुशी जियो, जो हमारे को कष्ट दिए हुए ना वो भगवान ने सोच समझ के दिए उन्हें, कि इसके अंदर हिम्मत है सहने की, हमारे को सहन करना पड़ेगा, कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ना पड़ता। फिर सहेलियाँ पक्की बनाओ और कभी भरोसा ना तोड़, बस सबसे मेन बात होती है। मैं तो यही बोलती हूँ अपनी सहेलियों के लिए भी, अपनी सभी बहनों के लिए भी, कभी किसी का भरोसा ना तोड़े। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, क्योंकि एक मेरी पड़ोस में ही रहती थी, उसने इतना लड़ाई झगड़ा किया था मेरे मायके में, उल्टी सीधी लड़ाइयाँ डलवा के, अगर मैं मर जाती तो कौन जिम्मेवार था, मेरा बच्चा तो अनाथ हो जाता, पर ऐसी फालतू कि लोगों के मुँह ना मैं मुँह लगती ना कुछ। चलो छोड़ो उस बात को, पर मैं ये बोलती हूँ छोटी छोटी बातों को ना हम यूट्यूब पे नहीं लाना चाहिए, पर जब बहुत बड़ी बात हो जाए ना, पर बहुत बड़ी बात मुझे लगी नहीं है कि तू अपने सिर पे बर्तन मार ले बाबा, अपने छोटे से बच्चे के लिए देख ले, जो बीमार बच्चा है उसके बारे में सोच ले, नहीं तेरे से पल रहा है तो कहीं तू अपने आश्रम में छोड़े उस बच्चे को,
लोगों को क्या दिखा रही है। अगर उस बच्चे को कुछ हो जाता तो क्या जी बात थी, लोगों ने तो मार को जीने देना था। तो मैं ये बोलती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आए सभी, और खुशियों से जिए और मस्त रहिए। और ये सूट मेरी मम्मी ने मुझे दिया था रक्षाबंधन का गिफ्ट, बहुत प्यारा सूट है और बहुत पसंद आया मुझे। वो रक्षाबंधन को दिया था उन्होंने, और रक्षाबंधन से काफ़ी दिन बाद आए थे वो मार्केट में, तब दे गए थे मुझे सूट, और मुझे अच्छा लगा। और बस आप खुश रहे, मस्त रहे और अच्छी अच्छी सी वीडियो ले आए, जिसको देख देख के हमारे को अच्छी अच्छी मोटिवेशन मिले और अच्छी अच्छी बातें हमारे को समझ आए। और छोटे यूट्यूबर क्या करेंगे, कॉन्ट्रोवर्सी सीखेंगे क्या बड़े यूट्यूबरों से? कोई लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं रखा, अच्छी अच्छी बातें की। ये भगवान ने जो हमारे को इंसान की जीवनी दी हुई, तो हमारे को इंसान की तरह रहना चाहिए। और सपोर्ट कीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है। मैंने अभी अपने बच्चे के लिए भी बहुत कुछ करना है, पर मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि मेरे को तो कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, ऐसे ही मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। पर यह है कि जब तक मैं आखिरी सांस है, तब तक मैं अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ। मैं सच्चे मन से बोल रही हूँ, नहीं तो मैं हो सकता है कि शादी भी कर सकती थी, कहीं भी जा सकती थी। मैं सिंगल मदर होकर अपने बच्चे को पाल रही हूँ।